हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ऑफ क्लास फिफ्थ चैप्टर थ्री हाउ मेनी स्क्वेयर्स लेट्स स्टार्ट हाउ मेनी कितने सारे स्क्वायर्स इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे अबाउट area perimeter of squares rectangle all right let's start chapter 3 how many squares kitte sare squares what is a square let me show you this is a square in which all how many sides 1 2 3 4 four sides and all four sides are equal स्क्वायर इन विच ऑल फोर साइड्स आर इन इक्वल लेंथ टू सेंटीमीटर दिस साइड इज ऑल्सो टू सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर दिस इज अ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर वट इज एरिया स्क्वायर का जो भी ये पार्ट है अंदर वाला पार्ट ये अंदर वाला स्पेस ये क्या है एरिया है जैसे आपने कोई खेत देखा होगा फील्ड देखा होगा यहाँ पे पेपर देख रहे हैं इसका एरिया है ये इनर पार्ट सो दिस वन इज दिस पार्ट कंप्लीट पार्ट क्या है इसका एरिया है मीन्स लेंथ भी है जिसमें एंड ब्रेड भी है चौड़ाई भी है ओके सो एरिया ऑफ स्क्वायर साइट इंटू साइट जब हम इसका एरिया फुलफिल कर रहे हैं कवर कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है ये साइड भी और ये साइड भी कवर हो जा रही है सो साइड इन टू साइड इन टू ब्रेड, बट यहां लेंथ एंड ब्रेड, दोनों सेम होते हैं स्क्वायर है ऑल साइड्स आर इक्वल सो साइड इन टू साइड सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड साइड एंड इसका एरिया क्या होगा अगर इसकी साइड टू सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज टू सेंटीमीटर इंटू टू सेंटीमीटर इज इक्वल टू 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 जा फोर सेंटीमीटर सेंटीमीटर डेट मीन्स स्क्वायर सेंटीमीटर और राइट स्क्वायर का ये यूनिट है एरिया ऑफ स्क्वायर की स्क्वायर सेंटीमीटर और राइट एंड फार्मूला साइड इन टू साइड एंड वट इज पेरीमीटर पेरीमीटर बाउंड्री इसकी जो बाउंड्री है ये इसका बाउंड्री ये है इसका सो पेरीमीटर बाउंड्री हम ऑल फोर साइड्स में जा रहे हैं जैसे किसी खेत के चारों ओर आप या इस पेज के चारों ओर देखिए इसकी बाउंड्री इसका पेरीमीटर है बट जो भी ये पार्ट है अंदर का ये एरिया है तो इसकी बाउंड्री चारों ओर की है डेट मीन्स फोर साइड्स हैं तो बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड इंट साइड कितने साइड हैं इसमें फोर साइड हैं सो फोर इन टू साइड और प्रीवियस क्लास में फोर्थ क्लास में हम बाउंड्री कैसे फाइंड करते थे ऐड करके टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू और साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड सो फोर साइड्स हैं डेट्स वाई फोर इंटू साइट

इसे हम ऐसे भी कर सकते थे साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड सो टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू फोर साइड्स हैं इनको ऐड करते तब भी सेम आता टू प्लस टू इज फोर फोर प्लस टू इज सिक्स सिक्स प्लस टू इज एट एंड ये सब सेंटीमीटर में है सो सेंटीमीटर और राइट दिस इज ऑल अबाउट ऑफ स्क्वायर सो हेयर हाउ मेनी स्क्वायर्स कितने स्क्वायर्स हैं सी दिस इज अ ग्रिड ये ग्रिड है इसमें डॉटेड डॉटेड ग्रिड है डॉट्स बने हुए हैं एंड दिस वन इज अ स्क्वायर मेजर मापना द साइड किनारा ऑफ द रेड ऑफ का द रेड स्क्वायर ये रेड स्क्वायर है इस रेड स्क्वायर का साइड मेजर करना है ऑन द डॉटेड सीट ये डॉटेड सीट है इसमें डॉट्स बने हुए हैं डॉटेड सीट ड्रॉ बनाना हेयर यहाँ एज मैनी मैनी सारे बहुत सारे रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल पॉसिबल असंभव यूजिंग प्रयोग ट्वेल्व सच स्क्वायर्स ट्वेल्व ऐसे ही स्क्वायर्स का यूज करते हुए बनाना है मेजर करना है द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड सीट इस डॉटेड सीट में जो रेड स्क्वायर बना हुआ है इसका साइड मेजर करना है बिकॉज स्क्वायर है तो ओनली वन साइड मेजर करेंगे वन साइड जितने भी सेंटीमीटर का होगा उतने इसके अदर साइड्स होंगे ड्रॉ हेयर यहाँ ड्रॉ करना है मैनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग ट्वेल्व सच स्क्वायर्स जितना पॉसिबल हो सके ट्वेल्व ऐसे ट्वेल्व स्क्वायर्स को लेते हुए हमें रेक्टेंगल्स बनाने हैं जितने रेक्टेंगल्स हम इस डॉटेड सीट में बना सकते हैं एंड रेक्टेंगल वट इज रेक्टेंगल दिस वन इज अ रेक्टेंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल सी टू अपोजिट साइड्स के हैं इक्वल हैं सेम है फाइव सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर एंड यहाँ के भी टू दोनों अपोजिट साइड इक्वल हैं बट एट देंट साइड इससे जुड़ा हुआ है ये दोनों साइड सेम नहीं होते बट एक दूसरे के अपोजिट आमने सामने वाले साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं इन रेक्टेंगल रेक्टेंगल का एग्जाम्पल आपकी हिंदी कॉपी होती है नोटबुक उसमें लाइन्स बनी होती हैं सी दिस टाइप की लाइन अगर ये यहाँ पर तो इंडलेस है आप लाइन ड्रॉ कर दो ये भी एक रेक्टेंगल बन गया सी एंड आपकी मैथमेटिक्स की कॉपी ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ये स्क्वायर बॉक्स के एग्जांपल हैं सो रेक्टेंगल में क्या होता है टू अपोजिट साइड्स आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया जो इसका अंदर का पार्ट है जो फील्ड्स होते हैं खेत वो ज्यादातर रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं सी अंदर का पार्ट है यानी कि अगर हम देखें तो हम लेंथ में भी सेट कर रहे हैं एंड लेंथ में सेट करते करते ऐसे हम ब्रेथ में भी जा रहे हैं डेट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ ओके सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर था साइड इनटू साइड एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल साइड इंटू साइड के यहां दोनों ही डिफरेंट होते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है सो साइड इंटू साइड नहीं होता लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इनको लेंथ इंटू ब्रेथ लंबाई चौड़ाई मल्टीप्लाई एल इंटू बी अगर हमें इसका फाइंड करना है एरिया तो so इसकी लेंथ है फाइव सेंटीमीटर इन टू ब्रेथ है कितना चौड़ा है थ्री सेंटीमीटर 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 टू सेंटीमीटर्स हैं सो स्क्वायर सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर पेरीमीटर बाउंड्री सो इसकी जो बाउंड्री है इससे भी सेम फाइव प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस थ्री सेंटीमीटर और इसके लेंथ लेंथ सेम होते हैं एंड ब्रेड ब्रेड सेम होते हैं सो so, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेड ओके बिकॉज लेंथ प्लस ब्रेथ हम क्या करते थे स्क्वायर में साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड बट यहाँ साइड इक्वल नहीं सेम होते, होते हैं एंड ब्रेथ सेम होते हैं सो टू ले टू ब्रेथ है, है. So हमने कर दिया, और आप इन की बाउंड्री किनारे वालों को ओनली बाउंड्री को आप ऐड भी कर सकते हैं जैसे हम फोर्थ क्लास में करते थे फाइव सेंटीमीटर प्लस थ्री सेंटीमीटर प्लस फाइव सेंटीमीटर प्लस थ्री सेंटीमीटर अदरवाइज फार्मूला टू इन टू एल प्लस बी दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा सो so यहाँ पे हमें ट्वेल्व रेक्टेंगल स्क्वायर्स का यूज करते हुए जितने रेक्टेंगल्स पॉसिबल हो सकते हैं हमें बनाने हैं इन दिस डॉटेड ग्रेड फर्स्ट हम मेजर कर लेते हैं साइड ऑफ दिस रेड स्क्वायर वन सेंटीमीटर इसके ऑल साइड्स वन सेंटीमीटर होंगे यहाँ पे लिख देंगे वन सेंटीमीटर ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल्स सो हम रेक्टेंगल्स बना लेते हैं ट्वेल्व स्क्वायर्स का यूज करके वन स्क्वायर ये है सिमिलरली वन स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा एंड टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स स्क्वायर्स ये रो है एंड ये कॉलम्स हैं सो हम फर्स्ट रो में टू टू स्क्वायर्स ले रहे हैं एंड टोटल टू कॉलम्स ले रहे हैं दैट मीन्स वन टू टू स्क्वायर्स हैं इन अ रो एंड सेकेंड रो में अगेन टू थर्ड रो फोर्थ रो फिफ्थ रो सिक्स रो तो टोटल सिक्स रो हैं एंड टू कॉलम्स हैं सो सिक्स टू जै ट्वेल्व डेट मीन्स यहाँ पे ट्वेल्व स्क्वायर्स हो गए एंड ये एक रेक्टेंगल बन गया लेट्स काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व यहाँ पे ट्वेल्व स्क्वायर्स बनेंगे नेक्स्ट हम एक लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ऐसे ही हम और भी इसमें रेक्टेंगल्स बना सकते हैं अगेन रेक्टेंगल यहाँ भी बन गया है बट इसमें ट्वेल्व स्क्वास नहीं है ऑनली सिक्स कॉलम्स ले लेते हैं वन टू थ्री जो वर्टिकल लाइन्स है कॉलम्स एंड हॉरिजेंटल लाइन्स आर कॉल्ड रोज तो थ्री कॉलम्स ले लिया हमने एंड वन टू थ्री फोर फोर रोज तो फोर थ्री जो ट्वेल्व ट मीन्स यहाँ पे ट्वेल्व स्क्वायर्स हैं और इससे हमने एक रेक्टेंगल बनाया अगेन वन टू थ्री थ्री कॉलम्स एंड फोर रोज थ्री फोर जा ट वन टू थ्री अगेन रेक्टेंगल बन गया वन टू थ्री अगेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऑनली सेवन रेक्टेंगल्स हैं जिसमें हमने ट्वेल्व स्क्वायर्स का यूज किया है और दिस वन रेक्टेंगल है बट इसमें ट्वेल्व स्क्वायर्स का यूज नहीं किया है इसमें ओनली सिक्स स्क्वायर्स ही हैं और राइट right? आप किसी और तरीके से भी बना सकते हैं हाउ मैनी कितने सारे रेक्टेंगल्स कुड यू मेक आप कितने सारे रेक्टेंगल्स बना सकते हैं आपने कितने बनाए सेवन हमने यहाँ पे सेवन बनाए ट्वेल्व सच स्क्वायर्स का यूज करते हुए ओनली सेवन रेक्टेंगल्स जिसमें ट्वेल्व स्क्वायर्स का हमने यूज किया है और राइट नेक्स्ट स्क्वायर स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है एंड ये स्क्वायर बॉक्सेस हैं। ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस से रेक्टेंगल बनाया आप चाहें तो इन डॉटेड लाइंस को स्क्वायर बॉक्स बनाते हुए फिल भी कर सकते हैं एग्जाम्पल दिखा रखा है स्क्वायर्स को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व स्क्वायर्स का यूज करते हुए एक रेक्टेंगल बनाए और अगर आपको इतना सब काउंट नहीं करना है आप डायरेक्टली शॉर्ट में कैसे बता सकते हैं ट्वेल्व स्क्वायर्स हैं चेक द तो रोज वन टू नंबर ऑफ रोज वन टू टू रोज एंड कॉलम्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू जो ट्वेल्व ट्वेल्व स्क्वायर्स हैं जिससे एक रेक्टेंगल बनाया है ईच प्रत्येक रेक्टेंगल इज है मेड बना आउट ऑफ ट्वेल्व ट्वेल्व में से इक्वल बराबर स्क्वायर सो so, इसीलिए ऑल हैव सभी के पास द सेम एरिया सब में सेम एरिया है बट लेकिन द लेंथ लंबाई ऑफ द बाउंड्री बाउंड्री होती है पैरिमीटर बाउंड्री किनारा हो गया इसका विल बी होगा डिफरेंट विभिन्न अलग Each rectangle is made out of ट्वेल्व equal squares, so all have the same area, but the length of the boundary will be different. प्रत्येक रेक्टेंगल बना हुआ है ट्वेल्व इक्वल स्क्वायर से इन दिस ग्रिड हमने सभी में ट्वेल्व स्क्वायर्स का यूज किया है तो प्रत्येक रेक्टेंगल ट्वेल्व स्क्वायर से बना है इसीलिए इन सब का एरिया सेम होगा बट बाउंड्री की लेंथ डिफरेंट होगी लेट्स चेक हम ये वाला रेक्टेंगल ले लेते हैं ये साइड है इसका वन सेंटीमीटर एंड यहाँ ट्वेल्व स्क्वायर्स बने हैं सो ट्वेल्व बन जाए ट्वेल्व ट्वेल्व सेंटीमीटर वट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रेक्टेंगल का एरिया था एल इंटू बी अभी हमने किया था ये सो so, एल लेंथ यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड है वन सेंटीमीटर फॉर दिस रेक्टेंगल सो इज इक्वल तू 12 बन्दर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर बट बाउंड्री बाउंड्री और पेरिमिटर 2 इनटू ल प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेड सो 2 इनटू लेंथ है इसकी 12 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड वन सेंटीमीटर टू इन टू पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे देन मल्टीप्लाई ट्वेल्व प्लस वन इज थर्टीन सेंटीमीटर थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर सिमिलरली ये वाला भी सेम है रेक्टेंगल तो इसका भी एरिया एंड पैरिमीटर यही आएगा बट अगर हम इस वाले का फाइंड कर लें और इस वाले का फाइंड कर लें इसकी लेंथ है टू सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है सिक्स स्क्वायर बॉक्सेस हैं सो सिक्स सेंटीमीटर राइट सो एल इंटू बी फॉर दिस इस वाले के लिए हम फाइंड कर लेते हैं फॉर रेक्टेंगल बी एल इंटू बी तो हो गया एरिया सिक्स टू सेंटीमीटर लेंथ है इंटू सिक्स टू सेंटीमीटर इंटू सिक्स सेंटीमीटर सो टू सिक्स ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर एंड बाउंड्री टू इंटू एल प्लस बी अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था सी बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल इज टू इंटू एल प्लस बी सो टू इन एल लेंथ टू सेंटीमीटर प्लस ब्रेड सिक्स सेंटीमीटर टू ब्रैकेट लिखा है अंदर एल प्लस बी डेट मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं है डेट मीन्स मल्टीप्लाई ही होता है टू मल्टीप्लाई सिक्स प्लस टू इज एट सेंटीमीटर एट टू जा सिक्सटीन और टू एट जा सिक्सटीन सेंटीमीटर सो कैन यू सी है एरिया का फॉर्मूला एंड दिस वन इज फॉर बाउंड्री एरिया ऑफ ए वाले रेक्टेंगल का जो पहले यहां पे रेक्टेंगल्स बनाए थे इनका एरिया है ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर और जो दूसरा रेक्टेंगल है इसका एरिया भी है ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर डेट मीन्स एरिया सेम है बट बाउंड्री ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर एंड सिक्सटीन सेंटीमीटर बाउंड्री डिफरेंट है डेट मीन्स यहाँ पे प्रत्येक रेक्टेंगल जो ट्वेल्व स्क्वायर इक्वल स्क्वायर से बने हैं ट्वेल्व इक्वल स्क्वायर से बनने की वजह से इनका एरिया तो सेम होता है बट इनकी लेंथ बाउंड्री की लेंथ डिफरेंट होगी लेंथ ऑफ द लेंथ लंबाई ऑफ की द बाउंड्री किनारा इज है कॉल्ड कहते पेरीमीटर लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर मैंने आपको पहले ही बताया था बाउंड्री पेरीमीटर होती है बाउंड्री की लेंथ को पेरीमीटर कहते हैं किनारा है किनारे की लंबाई इसको क्या कहते हैं पेरीमीटर एंड इन योर रफ कॉपी आप इन रेक्टेंगल्स के भी क्या निकाल सकते हैं एरिया एंड बाउंड्री तेन चेक कर सकते हैं सबके एरिया सेम आएंगे बट बाउंड्री डिफरेंट आएगी सो आपने इसे करना है इन योर रफ कॉपी चेक करना है क्वेश्चन वन इज विच कौन सा ऑफ दीज इनमें से रेक्टेंगल इन रेक्टेंगल काज द लॉन्गेस्टमीटर से रेक्टेंगल कौन सा रेक्टेंगल बड़ा पैरामीटर है लॉन्गेस्ट पैरामीटर सो हम फाइंड कर लेते हैं ये दोनों सेम है इनकी ऑलरेडी फाइंड है इसका भी फाइंड कर रखा है ये सब सेम है तो एक का फाइंड करेंगे देन वी विल गेट सो ब्रेड फोर सेंटीमीटर एंड लेंथ थ्री सेंटीमीटर थ्री स्क्वायर्स लिए हैं एंड वन स्क्वायर बॉक्स वन स्क्वायर थ्री सेंटीमीटर का वन सेंटीमीटर का सो थ्री स्क्वायर थ्री वन जो थ्री थ्री सेंटीमीटर सो बाउंड्री पैरीमीटर पूछा है बाउंड्री है बाउंड्री पैराी पैरीमीटर सेम होते हैं सो बाउंड्री फॉर सी थर्ड वाले के लिए बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू टू इंटू एल प्लस बी लेंथ प्लस सो टू इन लेंथ थ्री सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ फोर सेंटीमीटर टू इंटू फोर प्लस थ्री इज सेवन फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन सेंटीमीटर टू सेवन जो फोर्टीन सेंटीमीटर सबके ही फोर्टीन सेंटीमीटर होंगे सेम है और इस रेक्टेंगल को हम लेंगे नहीं बिकॉज इसमें ट्वेल्व स्क्वायर्स का यूज नहीं हो रखा है इन दोनों के सेम है ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर एंड जो नेक्स्ट वन था उसका है सिक्सटीन सेंटीमीटर नेक्स्ट फोर्टीन सेंटीमीटर सो विच वन हैज लॉन्गेस्ट बाउंड्री ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर ज्यादा है डेट मीन्स आप इसमें लिख देंगे रेक्टेंगल ए रेक्टेंगल ए हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री एंड बी बोथ सेम है दोनों रेक्टेंगल ए एंड बी बोथ दोनों के पास सेम है रेक्टेंगल बी हो गया दिस वन इज सी डी ई एफ जी नेक्स्ट विच ऑफ दीज इनमें से कौन सा हैज पास द स्मॉल सबसे छोटा पैरीमीटर कौन सा रेक्टेंगल का सबसे छोटा पैरीमीटर है दिस वन अभी फाइंड किया था फोर्टीन सेंटीमीटर आया था सो फोर्टीन सेंटीमीटर इज लेस देन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर सिक्सटीन सेंटीमीटर एंड इन सबके हैं फोर्टीन सेंटीमीटर सो डी ई एफ जी ऑल आर इक्वल डेट मीन्स हियर वी विल राइट रेक्टेंगल्स डी ई एफ एंड जी हैज द स्मॉलेस्ट पैरामीटर सब इक्वल सेम हैं इनके पैरामीटर्स सबसे कम है एंड रेक्टेंगल सी एंड बी हैज द लॉन्गेस्ट पैरिमीटर ओके सो इसमें हमने सीखा अबाउट एरिया बाउंड्री बाउंड्री इज कॉल्ड पैरीमीटर इफ यू डोंट नो अबाउट एरिया ऑफ स्क्वायर तो आप सिंपली क्या करेंगे अगर हमें एरिया फाइंड करना है एरिया मीन्स सी ये इसका इनर पार्ट हो गया ये वाला पार्ट अंदर का डेट मीन्स साइड इन साइड तो आप ओनली साइड इंटू साइड को इंटू भी करेंगे तो भी हमारे एरिया का आंसर आ जाएगा एंड पैरीमीटर होता है किनारा तो ओनली किनारे मीन्स किनारों को ऐड करना है या फिर आप फोर टाइम एक साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर इंटू साइड तो आ जाएगा पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिस इज अजी वे टू लर्न अबाउट एरिया एंड बाउंड्री ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में भी सेम है रेक्टेंगल में जैसे यहाँ साइड इंटू साइड है अगर आप साइड इंटू साइड लेते हैं बट रेक्टेंगल में दोनों साइड सेम नहीं होते हैं एडजेसेंट साइड तो आप क्या करते हैं एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने इसमें फाइंड किया था हमें ये सारे स्क्वायर्स काउंट नहीं करने पड़े हमने चेक किया लेंथ लेंथ वन लेंथ में हम गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स थे बॉक्सेस स्क्वायर बॉक्सेस एंड ब्रेथ में हम गए तो टू थे सिक्स टू जा मीन्स लेंथ इन टू ब्रेथ सो आ गेयर ट्वेल्व अदरवाइज ये तो छोटे हम काउंट कर लिए बट अगर बहुत ज्यादा होते हैं बड़े तो उनके स्क्वायर को हम कैसे काउंट करते टाइम ज्यादा लगता है तो टाइम बचाने के लिए जैसे ये ग्राफ पेपर है दिस वन इज अ ग्राफ सीट यू कैन सी इसमें भी स्क्वायर बॉक्सेस है अगर आपको सारे काउंट करने होते तो टाइम लगता टाइम बचाने के लिए आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड एंड रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ ऑल राइट नेक्स्ट मेजर मापना स्टैंप्स स्टैम्प होती है मोहर डिफरेंट टाइप की होती है मोहर डाक टिकट देखी होगी आपने टिकट भी हो सकती है मोहर डाक टिकट जैसे इसमें इंडिया भारत इंडिया लिखा हुआ है इसका है एंड सी यहाँ पे एनिमल्स बने हुए हैं यहाँ पे कुछ और बना हुआ है तो ऐसे ही सब स्टैंप्स हैं इस ग्रिड में एंड यहां भी स्क्वायर्स बने हुए लाइक दिस ग्राफ पेपर लुक देखो एट पर दीज यह इंटरेस्टिंग रुचिपूर्ण स्टैम्प्स। मोहर लुक एट दीज इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स इन दिस ग्रिड। सी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैम्प्स। क्वेश्चन ए हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ का वन सेंटीमीटर साइड किनारा डस स्टैंप ए कवर दिस वन स्टैंप ए एंड इसमें पूछा है हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ वन सेंटीमीटर साइड डस स्टैंप ए कवर वन सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स स्टैंप ए की साइड्स को कवर कर रही हैं जैसे हम इससे पहले कर रहे थे यहाँ वैसे ही करेंगे यहाँ पे आप रेक्टेंगल्स भी लिख लीजिएगा हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक सेवन रेक्टेंगल्स और राइट सो यस हम इससे पहले क्या कर रहे थे काउंट वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन लेंथ सिक्स स्क्वायर्स एंड इन ब्रेथ थ्री स्क्वायर सिक्स थ्री जा एटीन दैट मीन्स ईच स्क्वायर वन सेंटीमीटर का सो सिक्स स्क्वायर सिक्स सेंटीमीटर एंड हेयर थ्री सेंटीमीटर सो सिक्स थ्री जाओ एटीन स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ये कौन सा सेप है रेक्टेंगल सेप है क्योंकि इसके लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट है तो इसके हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इन टू ब्रेड सो सिक्स थ्री जा एटीन और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं नेक्स्ट एंड और स्टेम बी एंड स्टेम बी का अगर फार्मूला याद नहीं है तो ऐसे करेंगे वन टू थ्री फोर इन रोज रो में फोर स्क्वायर्स हैं या फिर आप देख लीजिए ये इतना इसको आप इसकी लेंथ भी बोल सकते हैं ऐसे लंबा रखा है एंड यहां भी काउंट कर लेंगे वन टू सो फोर टू एट फोर सेंटीमीटर इंटू टू सेंटीमीटर इज इक्वल टू फोर टू एट स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ बी स्टेम्स इज एट सेंटीमीटर स्क्वायर और एट स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर की पावर में टू ऊपर लिखा है डेट मीन्स पावर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको बोलते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर और राइट ऐसे भी लिख सकते हैं इसको सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके हियर स्टेम डी कवर्स ट्वेल्व स्क्वायर्स स्टेम डी ट्वेल्व कवर्स टेल्व स्क्वायर को कवर करता है 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 प्रत्येक प्रत्येक का की सो इसीलिए एरिया ऑफ स्टैम्प स्टैम्प का एरिया स्टैम डी का एरिया इज है ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर तो जितने स्टैम्प इसने कवर किए इसका एरिया है डेट मीन्स मैंने आपको इससे पहले बताया था जब मैं आपको स्क्वायर्स के बारे में बता रही थी एरिया के बारे में कि जो इसका इनर पार्ट है कंप्लीट हिस्सा इसका, इसका क्या होता है एरिया होता है डेट मीन्स जितने स्क्वायर इसने कवर किए हैं वही इसका एरिया है ट्वेल्व स्क्वायर्स कवर किए तो ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया एंड बाउंड्री होती है किनारे का हिस्सा सो हेयर आर सम सम और मोर क्वेश्चन अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है सेम जैसे मैंने यहाँ पर बताई एंड आपने अपने आंसर्स पेंसिल से यहाँ पे फिल करने हैं अदरवाइज आप रफ पेज में फिल कर लीजिएगा नेक्स्ट डे मैं आपको इन सब के आंसर्स बताऊंगी देन आप चेक करेंगे इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है ऑल राइट सो दिस इज इनफ फॉर टूडे